इन दिनों शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि वो मुस्लिम हैं और चैरिटी करते हैं। उसे बिना संदर्भ के फैलाया जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए बैक स्टोरी पर बात करते हैं। ये वीडियो शाहरुख खान के फैन अकाउंट SRKBeatCFC ने 7 मार्च को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, मगर अचानक से उस वीडियो पर एंगेजमेंट आने लगा। लोग जब किसी पोस्ट को लाइक, कॉमेंट या शेयर करते हैं तो उसे एंगेजमेंट कहा जाता है। खैर, ये वीडियो 2014 का है, जब शाहरुख अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि वीडियो में उनके पीछे आंशिक रूप से फिल्म का पोस्टर दिखलाई पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ चल रहा था। वहीं एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि शाहरुख देश के लिए क्या करते हैं। इसके जवाब में शाहरुख खान ने कहा, मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए जो मैं चैरिटी करता हूँ, जो काम करता हूँ, वो हम पर्सनल रखते हैं। इसमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लोगों के बीच मतभेद हो गया है। एक धड़ा तो ये कह रहा है कि शाहरुख खान से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत हाजिर जवाब आदमी है, मगर दूसरे तबके को इस बात से परेशानी है कि ये कहने के लिए शाहरुख को खुद को मुस्लिम बताने की क्या जरूरत थी। हमारे साथी हैं मुबारक, उनसे हमने पूछा कि शाहरुख जो कह रहे हैं उसका मुसलमान होने से क्या लेना देना है, तो उन्होंने बताया कि शाहरुख वहां ज़कात की बात कर रहे हैं। ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दान। कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि किसी को किस तरह से और कितना दान देना चाहिए। इसका एक नियम यह भी है कि आप किसी की मदद करने के बाद उस बारे में बात नहीं करते। बेसिकली इस्लाम में ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई दान जैसी चीज करते हैं तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, खामोशी से करना है। शाहरुख इसी वजह से मुस्लिम होने का जिक्र कर रहे थे। अप्रैल 2023 में अपनी IPL टीम को सपोर्ट करने गए शाहरुख खान कलकत्ता गए थे। वहां उन्होंने एसिड अटैक की शिकार हुई महिलाओं से मुलाकात की, जिनकी मदद उनकी फाउंडेशन ने की थी। शाहरुख खान ने 2013 में मीर फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का नाम उन्होंने अपने पिता मीर ताज मोहम्मद खान के नाम पर रखा। इसके तहत वो महिलाओं की बेहतरी और सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। मीर फाउंडेशन मुख्यतः एसिड अटैक की शिकार महिलाओं की मदद करता है। इसके अलावा भी शाहरुख खान कई मौकों पर अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत दान पुण्य करते रहते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।